आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी के पराठे की रेसिपी। ये सर्दियों में नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गोभी को कद्दूकस कर लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 से 2 हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है। अब हम पराठे की स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल देंगे। अब गोभी को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम पराठे के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है। इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच नमक डालूंगी, चुटकी भर हींग डालूंगी। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट डो एकदम तैयार है। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने से पहले मैं स्टफिंग में स्वाद अनुसार नमक भी डालूंगी। स्टफिंग ठंडा होने के बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे। गरम में नमक नहीं डालना है, नहीं तो पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से पराठे बनाने में दिक्कत होगी। अब मैं यहाँ पे एक लोई ले रही हूँ और आप पराठे का साइज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लोई में सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसके ऊपर मैं 2 बड़े चम्मच स्टफिंग रखूँगी। अब आटे को चारों तरफ से उठाकर स्टफिंग को इस तरीके से हम बंद कर देंगे। अब थोड़ा सूखा आटा लगाकर हम पराठा बना लेंगे। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी स्टफिंग भरना बताती हूँ। एक लोई लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बना लेंगे। अब एक दूसरी लोई लेंगे और इसकी भी रोटी बना लेंगे। अब इसके ऊपर 2 चम्मच स्टफिंग रखेंगे।
इस स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जो दूसरी रोटी बनाई थी इसके ऊपर हम उसको रख देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से साइड साइड से दबा दबा के इसको बंद कर देंगे। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और पराठे के साइज में बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको स्टफिंग भरने के दो तरीके बताए हैं, आपको जो आसान लगे वो आप बना सकते हैं। तो अब ये पराठा रेडी हो गया है, अब हम इसको सेंक लेंगे। अब इसको मैं तवे पे डालूंगी, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब मैं एक साइड पे देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो तेल या बटर भी लगा सकते हैं। अब इसको एक साइड से पकने देंगे। अब दूसरी तरफ पलट देते हैं। इस साइड भी मैं घी लगा देती हूँ। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। गोभी के पराठे आप दही चटनी किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।